उधर रोपड़ दे विच दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पावर कलोनी स्थित एक घर दे विच तीन लाशां मिलियां ने। तिने लाशां की बुरी तरह के नाल वटुक भी की गई। परिवार का एक मैंबर हाल भी गायब है। पुलिस के मुताबिक काफ़ी दिन पहला इस वारदात को अंजाम दिता गया था। एक ही घर के तीन लाशा बरामद हुई ने। रोपड़ तो यह दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। पावर कलोनी स्थित एक घर के तीन लाशा पुलिस को मिली। तिने लाशा बुरी तरह के नाल वड्डियां टुकिया हुई ने। परिवार का एक मैंबर हाले भी गायब है। उधर पुलिस हूँ पूरे मामले की तफतीश के जुट गई है कि आखिर माजरा की है। कि यह लुट की वारदात है या आपसी रंजिश का मामला सी या फिर परिवार के ही किसी जी के वालों इस पूरी वारदात को अंजाम दिता गया। पुलिस का कहना है कि काफी दिन पहला ही इस वारदात को अंजाम दिता गया। वार बहुत ही वधिया ते निघे सुभाअ दा सीगा। बहुत वधिया तरीके नाल रह रहे सी इत्थे 5-6 साल तो। कोई कंप्लेट नहीं सी इन्हां दी, ना बच्चों प्रति ना उहदे प्रति। बेटी इहदी MBBS डॉक्टर हैगी सीगी ते आनंदपुर साहिब पोस्टड सीगी ते आप गिलको वैली दे विच मकान बना रहे सीगे। तो मकान भी तकरीबन कंप्लीटड ही है इन्हों का। ये चार मैंबर से रह रहे इतने बेटा बेटी तो आप मियाँ बीबी दो मैंबर। हम मिसिंग भी है कोई ना कोई। हाँ ये हूँ पुलिस मतलब बॉडिया कि अंदर जी? अंदर तीन बॉडिया है। अच्छा। बेटी की है तो मिसेज की है तो हसबैंड मतलब बेटा मिसिंग। हाँ बेटा इट मीनस तो बेटा मिसिंग ही है। परिवार के जो पता किया चार मैंबर ने तो हसबैंड वाइफ ने तो उन्होंने एक बेटा तो बेटी है। तो फिलहाल जिहड़ियां सानूं तीन डेड बॉडीज़ इत्थे घर दे विच्चों मिलियां ने। एक हसबैंड वाइफ ने उहो ने ते एक बेटी जिहड़ी हैगी उहनां दी। चौथा जिहड़ा बेटा हैगा उहदा हजे पता नहीं लग्गिया कित्थे है। तो प्राइम ऑफिस है ये मर्डर ही जापदा है कि थोड़ी जी मतलब तो है भी पुराना। घट्टो घट्ट 3-4 दिन हो गए लग रहे हैं। 2 या 3 दिन स्मैल आ रही है। स्मैल भी आ रही है काफ़ी स्मैल है। तो काफ़ी उत्थे बॉडीज़ की कंडीशन देख के अंदाजा है जो आप लाइए तो पुराना। बाकी जो पोस्टमार्टम तो सारी चीज़ें जी है क्लीयर हो गई।